हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सर्दियों के दिनों में हमारी जो स्किन होती है काफ़ी ड्राई हो जाती है। ये मैं कहूँगी तो ये ऑब्वियस सी बात है, हर किसी की स्किन ड्राई होती है, नॉर्मल हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, सबकी होती है। बात करूँ ड्राई स्किन वालों की, तो उनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बिल्कुल पपड़िया से निकलने लगती है। तो हमें अपनी स्किन की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अब स्किन केयर रूटीन की बात करूँ तो स्किन केयर रूटीन में आप सब जानते हैं कि क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग आता है, और वीकली बात करूँ तो स्क्रबिंग एंड फेस पैक भी आता है। अब इतने सारे स्टेप तो सर्दी में करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। कुछ लोग जो होते हैं वो तो फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ जो आलसी लड़कियाँ होती हैं हमारे जैसी, वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहती। तो वो चाहती है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसे लगा लें और सब कुछ हो जाए, जिसमें क्लिनजिंग भी हो, स्क्रबिंग भी हो जाए, मॉइस्चराइजिंग भी हो जाए, फेस पैक का मतलब सब कुछ हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही बढ़िया सा फेस मास्क लेकर के आई हूँ, जिसे बोलूँगी फेशियल क्लीनअप बोलो या फेस क्लीनअप मास्क जिसे बोलते हैं, वो लेकर के उसे लगाने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मार्केट में जाते हो या पार्लर में जाते हो तो आप सब जानते हो कि फेशियल क्लीनअप के नाम पे कम से कम मार्केट में आपको 500 से 1000 रुपए चार्ज करते हैं। जी हाँ, मैं कम से कम के रेट की बात बता रही हूँ। तो 500 से 1000 रुपए आप मार्केट में या पार्लर में जाते हो तो आपको इतने सारे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन घर पर जब आप बनाओगे तो कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने वाले, सिर्फ 10 से 15 से 20 मिनट आपके लगेंगे और सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको उसका अभी डेमो भी दिखाऊंगी। आपको क्लिनजिंग भी होगी, स्क्रबिंग भी होगी, मॉइस्चराइजिंग भी होगी, टोनिंग भी हो जाएगी आपका फेस पैक। जी हाँ, तो 5-6 स्टेप आपके सिर्फ एक मास्क में होने वाले, से 15 मिनट लगाना है और 15 मिनट बाद आपके फेस को वॉश करना है, हल्के हाथों से स्क्रबिंग करते हो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके बाद आप खुद अपना इसका रिजल्ट सामने देखोगे, और से हफ्ते में 1 से 2 बार ही लगाना है, बस कुछ नहीं करना। घर पे ही बनेगा बहुत आसानी से, कोई पैसे भी चार्ज नहीं, पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा, बहुत आराम से हो जाएगा और बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई स्किन केयर रूटीन भी नहीं फॉलो करना पड़ेगा, आप आराम से इसे हफ्ते में 1 से 2 बार लगाएंगे, आपका काम खत्म। जी हाँ, तो दोस्तों अगर ये अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं हमें क्लीनअप मास्क को बनाना कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना फेस क्लीनअप मास्क बनाने के लिए हम लेंगे मिल्क पाउडर। जो हमारा बेस है इस फेस पैक का, वो है मिल्क पाउडर। जी हाँ, उसे हम 1 चम्मच के करीब लेंगे। मिल्क पाउडर मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मिल्क पाउडर जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि मिल्क हमें कितने सारे बेनिफिट होते हैं, और मैं जो यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखा दूँ। ये नेस्ले का है, ये बेबी मिल्क पाउडर है। आप ये नहीं तो जो दूसरे मिल्क पाउडर आते हैं अमूल या नेस्ले के, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क पाउडर में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, और ये आप देख भी सकते हैं, इसमें ऑलरेडी मेंशन भी है इस बॉक्स पे। आपको शायद इतना पास से समझ में नहीं आ रहा होगा कैमरे में। तो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बात करूँ स्किन की, तो आप अगर अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन को बिल्कुल यूथफुल ग्लो ला के देता है। आपकी स्किन पे जो एजिंग की प्रॉब्लम होती है, रिंकल होता है, उन सबको रिमूव करता है, ब्लेमिशेस को रिमूव करके आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर बनाता है, तो और साथ में सॉफ्ट भी करता है। तो हम इसमें 1 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर लेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है राइस पाउडर। जी हाँ, ये हमारा क्लीनअप मास्क है, तो हमें स्क्रबिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्क्रबिंग के लिए हम चावल का आटा, जिसे बोलते हैं राइस पाउडर, आप इसे घर पे भी बना सकते हो या मार्केट से भी ले सकते हो। और मैं जितने भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हम 1/2 चम्मच के करीब इसमें इसको ऐड करेंगे, आधे से भी थोड़ा सा कम करेंगे। अब हम जो तीसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है ऑरेंज पील पाउडर। जी हाँ, मैंने इसे घर पे ही बनाया है, और इसमें थोड़ा सा पुदीने का पाउडर भी मिक्स हो गया है, और आप देख सकते हैं। तो हम इसे भी आधे से थोड़ा सा कम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ आप देख सकते हैं 1 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर लिया है, तो मैं सारी चीज़ की जो क्वांटिटी उसी के रेशियो में रख रही हूँ। तो मैं इसे भी 1/2 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। आप चाहे तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, या अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, उसी हिसाब से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। और फिर तीसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है सैंडलवुड पाउडर। जी हाँ, सैंडलवुड पाउडर भी हम 1/2 चम्मच के करीब इसमें ऐड करेंगे। और लास्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है हनी। जी हाँ, विंटर में स्किन को मॉइस्चराइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली क्लीनअप मास्क है तो इसमें सब कुछ होना चाहिए, स्क्रबिंग, क्लिनजिंग, और हनी जो हमारे स्किन को क्लीन करता है साथ मॉइस्चराइज भी करता है। तो हम इसमें लास्ट चीज़ हनी ऐड करेंगे, वो भी 1/2 चम्मच के करीब, और इन सब चीज़ को हम थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, इस पर अब हम जो ऐड करेंगे, आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं या रोज़ वाटर। मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, और मैंने खुद का रोज़ वाटर बनाया था, मैं वो यूज़ करी, और आप देख सकते हैं मेरी बॉटल आधी हो गई है। मैं इसे रेगुलर यूज़ करती हूँ, और अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसे हम मिक्स करते रहेंगे इसी तरीके से अच्छे से। अरे, इतना बढ़िया आपका क्लीनअप मास्क होने वाला है, बिल्कुल मार्केट के टक्कर का क्लीनअप मास्क बनेगा। और इसे आप लगाएंगे, मैं आपको उसके अभी डेमो भी दूंगी। फिलहाल तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मिक्सचर बन करके हमें मेरा तैयार हुआ है। हमें इसकी जो टेक्सचर है उसे इसी तरीके से रखना है, बहुत गाढ़ा, बहुत पतला नहीं बनाना।
अब ये देख सकते हैं कितना अच्छा है। अब मैं आपको इसे लगा करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है मेकअप रिमूव करके, और आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं लगाया है फिलहाल, और मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया है क्योंकि मेरा जो क्लीनअप मास्क है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हाइड्रेट है, मॉइस्चराइज कर देगा आपकी स्किन को कि इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। तो फिलहाल तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ लिप बाम लगाया है। अब मैं इसे अपने फेस पे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैंने जैसे बताया था आपको सेम उसी तरीके से बनाना है, टेक्स्चर भी आपको ऐसे ही रखना है। तो मैं आपको अपने हाथों से लगा करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों फेस पैक हमारा पूरा लग चुका है। मुझे पता है मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मेरी आदत है, तो मैं क्या करूँ, फेस पैक हमारा पूरा लग चुका है। अब हमें क्या करना है, 15 से 20 मिनटों के लिए इसे लगाकर छोड़ देना है। जब ये पूरी अच्छे तरीके से सूख जाए तो उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेंगे नॉर्मल पानी से। तो दोस्तों मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया, और आप देख सकते हैं मेरा जो चेहरा है वो कितना ज़्यादा निखरा निखरा एंड ग्लोइंग लग रहा है। पहले लगाने के पहले की बात करूँ तो मेरा चेहरा काफ़ी डल लग रहा था क्योंकि मैंने बहुत दिनों से स्क्रबिंग वगैरह नहीं की थी, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा रंग जो है कितना ज़्यादा निखरा लग रहा है एंड सॉफ्ट एंड ग्लोइंग लग रहा है। अभी मैंने मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया, मैं मॉइस्चराइजर लेके बैठी हूँ। उसके बाद आपको विंटर का सीजन तो मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। तो मैं फिलहाल पतंजलि का एक मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। तो आप इसके कोई से मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, और आप देख सकते हैं मेरा जो फेस है कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोइंग लग रहा है। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो आप इंस्टेंट ग्लो चाहते हो तो आप इस पैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये इस तरीके का एक पैक है कि इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, स्क्रबिंग सब कुछ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं सब कुछ आपके सामने ही है, कोई कैमरा कोई ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं, मैंने आपके सामने ही लगाया है और अभी फेस वॉश करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कितना अच्छा पैक है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में एक से दो बार आपको सिर्फ लगाना है और कुछ भी नहीं करना, कोई पैसे भी नहीं खर्च हो रहे, आप देख रहे घर के ही सारे सामान से मिलकर के बनाया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करने तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।